हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, आज उसके ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 20 है। पिछले लेक्चर में मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी, हार्डमार्ट फैक्टराइजेशन थ्योरम। कौन सी? हार्डमार्ट फैक्टराइजेशन थ्योरम मैंने आपको ये पढ़ाई थी, और इसका बताया था कि एक न्यूमेरिकल, ये मैंने पूरी थ्योरम पढ़ाई थी पिछले लेक्चर में, ठीक है। इसी के बेसिस मैंने बताया था 1000% न्यूमेरिकल आता ही आता है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। एक न्यूमेरिकल आएगा ही नहीं आएगा, वो 100% यही न्यूमेरिकल आना ही वाला है। तो हार्डमार्ट फैक्टराइजेशन थ्योरम पे ये क्या पूछा हुआ है कि साइन पाई जेड इज इक्वल टू पाई जेड समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू वन की इंफिनिटी ब्रैकेट वन माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर ब्रैकेट। ये हमें प्रूव करना है साइन पाई जेड का। तो सबसे पहले जो आपने अगर हार्डमार्ट फैक्टराइजेशन थ्योरम नहीं पढ़ा तो वो जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि पिछला लेक्चर मैंने उसके ऊपर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? जीरोज ऑफ साइन पाई जेड। जीरोज साइन पाई जेड की क्या निकालेंगे? जीरोज। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? साइन पाई प्लस एन पाई, इसको हम जीरो के को ले लेंगे। साइन पाई जेड को जीरो के को लेंगे, और साइन पाई जेड को क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे साइन पाई जेड पाई प्लस पाई जेड इज इक्वल टू जीरो, और इसके जीरो कैसे एक कितनी आ जाएगी? साइन एन। क्या आ जाएगी? साइन एन पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? एन। इसकी जीरो क्या आ जाएगी? एन। और हमें क्या निकालनी थी? पहले निकालनी थी जीरोज, जीरो जीरोज निकालनी थी। तो होगी तो क्या होगी? इंटीजर होगी, तो जीरो होगी, प्लस माइनस वन होगी, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री। बट हमें क्या चाहिए? नॉन जीरो, उसमें हमें जीरो नहीं चाहिए। जीरोज का मतलब बेटा यहां पे सिंपल सा क्या है? रूट। क्या है? रूट बोला है इसने। जीरोज का मतलब मैंने पहले भी निकालना सिखाया था आपको, क्या होता है जीरोज का मतलब? होता है रूट। तो जीरोज मतलब इसका रूट साइन जेड का क्या होगा? जेड इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू। बट हार्डमार में क्या है? हमें नॉन जीरोज वाले लेने हैं। तो नॉन जीरोज मतलब ये जीरो हट जाएगी, ये जीरो नहीं लेनी। तो क्या होगा? प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू डैश 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 हमारा चलता रहेगा। उसके बाद ये बोल रहा है जो हमारा ये एन आया है, अगर ये वन बाई एन है, समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी वन बाई एन है, तो सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। अगर हमारा वन बाई एन स्क्वेयर कर दे, इसी की एक पावर और बढ़ा दे, तो ये सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। और इस कन्वर्जेंट सीरीज में इस पी की वैल्यू वन होगी। बट आप बोलोगे सर कैसे लिखते हैं पी की पावर वन, पी इज इक्वल टू वन कैसे होगा? एटलीस्ट वन, एक मिनट बताता हूं। क्योंकि हम उस सीरीज को कैसे लिखते हैं, ये एन स्क्वेयर के ऊपर जो पावर है इसको कैसे लिखते हैं? वन बाई एन समेशन वन बाई एन का मॉडुलस पी प्लस वन, p की में 1 प्लस 1 करेंगे तभी तो p ऊपर n स्क्वेयर आएगा, तभी n स्क्वेयर आता। तो p की कितनी वैल्यू हो गई बेटा? 1। और इसमें p की वैल्यू कितनी हो गई? 0। और इसमें p की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो इसमें p की क्या है, क्या बोल रहा है ये? p हमारा क्या होगा? 1 होगा, तो ये सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। थस द जीनियस कैनोनिकल प्रोडक्ट गिवन, भाई हमें पता लग गया p की वैल्यू कितनी आई? 1। तो इसका कैनोनिकल प्रोडक्ट कितना हो गया हमारा? 1। क्योंकि 1 को क्या बोल रहे हैं? कैनोनिकल प्रोडक्ट बोल रहे हैं। थस द कैनोनिकल प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद नॉन जीरो जीरोज ऑफ साइन जेड ऑफ द फॉर्म। हम जो बोल रहे हैं कैनोनिकल प्रोडक्ट है पी जेड, उसको कैसे लिख सकते हैं? कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। क्योंकि पी जेड हमारा क्या है? कैनोनिकल प्रोडक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन जो हमने थ्योरम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनका प्रोडक्ट कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया क्यों 1 आया, क्योंकि पी की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए? 1। तभी क्या होगी? सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी। तो हम इस साइन को जेड को पी जेड की फॉर्म में, कैनोनिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते सॉरी पी जेड को हम कैसे लिख सकते हैं? एन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ये बेटा प्रोडक्ट का साइन है, इसको अच्छी तरह लिख लेना। ये किसका साइन है? प्रोडक्ट का साइन है, ठीक है। कहां तक लिमिट जा रही है? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ब्रैकेट वन माइनस जेड अपॉन एन ब्रैकेट क्लोज ई की पावर जेड एन, वेयर एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारा एन जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ये हमें ऑलरेडी मैं आपको ब्रीफ कर चुका हूं। अब इसकी लिमिट खोलना पड़ेगा, एक बार लिमिट जाएगी क्योंकि जीरो तो नहीं हो सकता, तो एक बार जाएगी वन से इंफिनिटी, फिर एक बार जाएगी माइनस वन से माइनस इंफिनिटी, क्योंकि हमारा पॉजिटिव प्लस माइनस था, प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, कहां तक जा रहा था? डैश 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 आगे तक चलता हुआ जा रहा था। तो इस चीज को मैं दो तरीकों से खोल दिया, एक बार तो वन पॉजिटिव का ले दिया और एक बार माइनस वन से माइनस इंफिनिटी ले दिया, ठीक है। इतना आपको कोई प्रॉब्लम आया तो मेरे को बताओ। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लिमिट ओपन कर दिया हमने। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि यहां से मेरे को ये नेगेटिव साइन हटाना दोनों, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन हटाने के लिए मेरे को अंदर से भी नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं, कि जिससे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा,
और तो इस नेगेटिव को हटाने के लिए यहां से पॉजिटिव करने के लिए यहां से पॉजिटिव, दो नेगेटिव बाहर आ जाएंगे और जहां पे नेगेटिव का साइन है वहां पॉजिटिव का जाएगा, जब पॉजिटिव का है वहां पे नेगेटिव का जाएगा। ये संख्या तो सेम रहेगी, इसमें हमें पॉजिटिव ले लिया वन से इन्फिनिटी, तो यहाँ नेगेटिव का था या पॉजिटिव का साइन आ गया, या पॉजिटिव था या नेगेटिव का साइन आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में से ये प्रोडक्ट का साइन, ये है कि प्रोडक्ट का साइन बेटा, ये प्रोडक्ट का साइन है याद रखना, ये पाई नहीं है, ये प्रोडक्ट का साइन है, क्रोनिकल प्रोडक्ट है। ठीक है, वन प्लस जेड वन माइनस जेड, तो यहाँ फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी ए प्लस बी, दोनों में ये कॉमन था लिमिट वाला, मैंने बाहर निकालिया एन से इन्फिनिटी और ये फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, नाउ द ऑर्डर ऑफ जीरो ऑफ साइन पाई जेड इज वन, भाई ऑलरेडी बता दिया था ऑर्डर ऑफ जीरो, क्योंकि हमारा क्या आया था ये यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आया था वन आया था, तो ऑर्डर ऑफ साइन जेड इज वन सिंस जेड इज इक्वल टू जीरो इज सिंपल जीरो ऑफ साइन जेड। अब भाई हिंडमार्क फैक्टराइजेशन थ्योरम जो कि मैंने आपको पढ़ाई थी, तो साइन पाई जेड को हम कैसे लिख सकते हैं, उसका जर्नल तरीका क्या था, साइन पाई जेड सी, देखो उधर इधर सी था, ठीक है, देखो मैं आपको थ्योरम के ऊपर लेके चलता हूं यहां पे थोड़ा सा, तभी आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ये थी इस हेडमार्ड की जर्नल फॉर्म, यहां पे चलते ये थी, ये जर्नल थी, यहां पे क्या था सी आता है, मैंने बताया था एफ जेड सी जेड की पावर एम ई की पावर जी जेड पी जेड, पी जेड की वैल्यू हमने निकाल ली, ई की पावर जी जेड और जेड सी जेड की पावर एम। अब देखो अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। ठीक है, अब देखो जेड जेड की पावर एम, एम तो हमारा वन है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कितना आया था बेटा वन, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो जेड की पावर एम, एम तो वैल्यू वन हो गया, ई की पावर जी जेड और यहां पर क्या रहता था पी जेड, पी जेड की वैल्यू हमने ये यहाँ पे पूरी निकाल ली, ये हमारा क्या था पी जेड था, तो मैंने पर पुट कर दिया सी एम था ना, एम की वैल्यू वन हो गई तो हट गया और सी हमारा वन है हट गया। ठीक है, बट जी जेड इज द पॉलिनोमियम ऑफ डिग्री नॉट एक्सटेड, ये हमारा बाई हेडमार्ड थ्योरम बोलता है, हेडमार्ड फैक्टराइजेशन थ्योरम बोलता है कि पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी एक हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं होगी ऑफ ऑर्डर साइन जेड, यही हमारी क्या है हेडमार्ड फैक्टराइजेशन थ्योरम है। ठीक है, अब भाई जब एक से ज्यादा नहीं हो सकती, एक से ज्यादा नहीं हो सकती, तो जी जेड को जो पॉलिनोमियल क्रोनिकल प्रोडक्ट है उसको हम क्या ले सकते हैं ए जीरो प्लस ए वन जेड, क्योंकि पावर हमारी वन ही है, एक वन से ज्यादा नहीं ले सकते ना हम, यहाँ पे ए टू जेड स्क्वायर तो नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा ओनली वन तक लेना है, क्योंकि क्या है हमारा वन है यहाँ पे डिग्री, मैक्सिमम डिग्री वन है, वन से ज्यादा नहीं हो सकती, वन हो सकती है वन से ज्यादा नहीं होगी, तो जी जेड की वैल्यू क्या आ गई ए जीरो प्लस ए वन जेड, हमारी पॉलिनोमियल की जो नॉर्मल इक्वेशन होती है वो लिखी है मैंने। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो जी जेड में, जी जेड की वैल्यू पुट कर दो, तो साइन पाई जेड 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 था ई की पावर जी जेड की वैल्यू क्या है ए जीरो ए वन जेड, पुट कर दिया यहाँ पे जी जेड की वैल्यू, ये आ गई इक्वेशन एज इट इज आ गई। ठीक है, तो ऑल इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन वन नाम दे दिया, ऑल्सो रिटर्न, आगे क्या करेंगे इस पाई जेड को हम इस साइड ले जाते हैं दूसरी साइड, तो साइन पाई जेड अपॉन जेड ई की पावर ए जीरो ए वन, ये हमने एज इट इज लिख दिया, इसको मैंने क्या नाम दे दिया इक्वेशन नंबर टू। अब इस इक्वेशन टू को लिखने के बहुत तरीके हैं, ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम अगर इस इक्वेशन में क्या ले साइन पाई जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू पाई, भाई ये कैसे होगा, अगर मैं इसी इक्वेशन को पाई से मल्टीप्लाई कर दूं और पाई से डिवाइड कर दूं, तो हमें पता है ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा वन के इक्वल हो जाएगा, क्या है वन के इक्वल हो जाएगा, तो पाई इधर कितना बचेगा ओनली पाई, और ये बोल रहा है एच जेड इज इक्वल टू जीरो, उस टाइम हम क्या पुट कर रहे हैं जेड जीरो पुट कर रहे हैं, तो हमारा ये किसके इक्वल आ रहा है पाई के इक्वल आ जा रहा है, पाई के इक्वल ही आ रहा है ना, देखो मैंने बताया साइन पाई जेड अपॉन जेड अगर पाई से मल्टीप्लाई करूं पाई से डिवाइड करूं, तो ये आपको पता है भाई लिमिट लिमिट से ये क्या इस इतने इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी। अरे आपने पढ़ा है साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, ये आपने पढ़ा है ना यार, तो वही है यहाँ पे सेम। ठीक है, तो जीरो जेड जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ई की पावर ए जीरो बचेगा यहाँ पे हमारा, ये जीरो हो जाएगा और ये भी हमारा वन, वन का प्रोडक्ट कितना करो तो वन आएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा पाई इक्वल टू ई की पावर ए जीरो, इसको देखो मैंने ओपन किया बाकी कुछ नहीं किया, तो पाई की वैल्यू कितनी आ गई ई की पावर ए जीरो, ई की पावर ए जीरो की वैल्यू क्या आई हमारी पाई आ गई। अब ये इक्वेशन में पुट कर दो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ई की पावर ए जीरो ई की पावर ए वन जेड, ऐसे लिख सकता हूं, तो ई की पावर ए जीरो की वैल्यू पुट कर दी पाई और इसको मैंने एज इट इज लिख दिया ई की पावर ए वन जेड, बाकी हमारा सारा सेम है।
इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर थ्री। अब ये क्या बोल रहा है, इक्वेशन थ्री को हम रिप्लेस कर दे जड़ को माइनस जड़ से, रिप्लेस जड़ इज इक्वल टू माइनस जड़ इन इक्वेशन टू, ठीक है, वी गेट। तो इस साइड तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एल एच एस साइड तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ई की पावर इधर माइनस का हो जाएगा और इधर हमारा देखो जड़ करेंगे माइनस जड़ तो स्क्वेयर होगा, बाकी टर्म तो सेम ही आएगी, बस यहां हमारा माइनस का साइन आ जाएगा। और दोनों इक्वेशनों को क्या कर दो, कंपेयर कर दो, तो दोनों साइड करोगे तो ये हमारा एल एच एस साइड तो हट ही जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, ई की पावर ए वन जेड इज इक्वल टू ई की पावर ए वन जेड। यहाँ से ए वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, जीरो आ जाएगी। अब ये ए वन की वैल्यू जीरो आई है, इसको इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो जीरो, तो यहां से क्या बचेगा, साइन पाई जेड अपॉन जेड पाई एन इज इन्फिनिटी वन माइनस जेड स्क्वायर। ये तो यही हमें क्या था बेटा, आंसर इसका निकालना था, यही हमें प्रूव करना था। बताओ इतना सिंपल है, बेसिक है बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं है, बस इस क्वेश्चन को पक्का करके जाना। ये थ्योरम के साथ ये क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि थ्योरम आठ नंबर में प्लस में आठ नंबर में एक क्वेश्चन, तो ये सोलह मार्क्स का क्वेश्चन, आपका एक सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा दो टॉपिक के ऊपर, हार्मार्ट फैक्टराइजेशन थ्योरम, हार्मार्ट थ्री सर्कल थ्योरम, ठीक है। तो इसी प्रकार वीडियो पे बने रहिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और ये आपको ये पूरा नोट्स जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये चाहिए तो बताना। अगला है हेरनेक्स इनइक्वालिटी, हम नेक्स्ट के ऊपर बात करेंगे, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी हमारा, ठीक है, इसके ऊपर हम आने वाले लेक्चर में बात करेंगे।